नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यूपी में इस वक्त दो लोग एक्शन में हैं, एक योगी जी और दूसरी उनकी पुलिस। लेकिन एक और यूपी के बड़े नेता हैं जो कि फिलहाल एक्शन में है, नाम है आजम खान। आजम खान ने रामपुर में हो रहे चुनाव के दौरान रोते हुए कहा कि हमने क्या गुनाह किया जिसकी सजा मिल रही है। इतना कहना था कि आजम खान द्वारा पीड़ित उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रही और अमर सिंह की करीबी माने जाने वाली जयप्रदा ने आजम के घड़ियाली आंसुओं को लेकर कटाक्ष करते हुए हमला किया और कहा कि ये सताई हुई महिलाओं यानी कि मेरा आजम खान को श्राप है, जिसके वानगी अब आजम खान आप पर उतर रही है। मतलब ये कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये कहावत आजम खान पर सटीक बैठती है, क्योंकि जब आजम खान मंत्री थे तो उनकी तूती बोलती थी और एक शहंशाह की हैसियत यूपी में रखते थे और जो चाहे वो करते थे और पुलिस को अपने इशारे पर घुमाते थे। लेकिन सत्ता बदली, हवा का रुख बदला, अब वही पुलिस जो आजम के इशारे पर नाचती थी आजकल आजम को नचाती है। और इसी तकलीफ और पीड़ा की वजह से रामपुर में बोलते हुए उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। लेकिन उन्हीं के द्वार पर पीड़ित एक महिला जयप्रदा ने मौके को लपकते हुए कहा कि आजम के पुराने कर्मों की सजा है और किसी महिला का श्राप लगा है। इसी कड़ी में जयप्रदा ने आगे कहा कि वो मुझे अच्छी अभिनेत्री बताते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं। आजम खान के खिलाफ रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन हड़पने के कई मामले दर्ज हैं। आजम पर किताबें और बकरियां चुराने समेत 80 से अधिक मामले दर्ज हैं। यहां पर एक बात बताते चलें कि इस बार लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने जयप्रदा को टिकट दिया था, लेकिन जयप्रदा आजम खान से 1 लाख से अधिक वोटों से हार गई। जो भी हो, विद्वानों का कहना है कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एक ना एक दिन आपके ऊपर भी पड़ सकता है, और शायद यही जयप्रदा कह रही है।